है न्यूक्लियर एनर्जी. न्यूक्लियर एनर्जी मीन्स द एनर्जी विच वी रिसीव ड्यू टू न्यूक्लियर रिएक्शन. तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन एंड न्यूक्लियर एनर्जी. न्यूक्लियर एनर्जी दिस इज बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन. ये न्यूक्लियर रिएक्शन कैसे होते हैं? न्यूक्लियर रिएक्शन दो तरह के होते हैं. हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था एक फिजन रिएक्शन और एक फ्यूजन रिएक्शन. दोनों रिएक्शन में एक चीज कॉमन है कि जो मास होता है न्यूक्लियस का वो मास डिक्रीज हो जाएगा. रिएक्शन के बाद अगर मास डिक्रीज हो गया यानी मास डिफेक्ट हो गया तो उसमें से एनर्जी निकलेगी, और अगर मास डिफेक्ट नहीं होता है तो एनर्जी नहीं निकलेगी. तो हमने ऐसे रिएक्शन देखे जिसमें मास डिफेक्ट होता है, और जब मास डिफेक्ट होगा तो उसमें से एनर्जी निकलेगी. ओके, तो ये वाले रिएक्शन फिजन रिएक्शन कहलाते हैं. तो फिजन में सॉरी फिजन और फ्यूजन दोनों में ये चीज फैक्ट है. दोनों के लिए ये चीज कॉमन है कि डिफेक्ट ऑफ द मास, मास डिफेक्ट होगा. अब फिजन और फ्यूजन दोनों को हमने डिफरेंशिएट कैसे किया है? इफ देयर इज ए लार्ज न्यूक्लियस एंड वी ब्रेक इट इनटू टू स्मॉलर न्यूक्लियस एंड अ लॉट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड. एनर्जी रिलीज्ड के पीछे ये सच है कि मास डिफेक्ट हुआ होगा. तो मास डिफेक्ट हमको दोनों तरह के रिएक्शंस में मिलता है जिसमें से हम पहला स्टडी कर रहे हैं, व्हेन ए लार्ज न्यूक्लियस इज ब्रोकन इनटू टू और मोर फ्रेगमेंट्स देन देयर इज ए मास डिफेक्ट एंड लॉट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड एंड दैट टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन इज नोन एज फिशन. फिशन लार्ज न्यूक्लियस, और ये लार्ज न्यूक्लियस को हम ब्रेक करेंगे स्मॉलर न्यूक्लियस में. स्मॉलर न्यूक्लियस ये हो गया फिजन एंड देयर वी गेट लॉट ऑफ एनर्जी. फ्यूजन, फ्यूजन स्मॉल न्यूक्लियस, small nucleus, many small nucleus added together and they make a large nucleus. Large nucleus, and again we find that lot of energy is released. dono mein energy release kyon hoti hai? kyunki humne example aise chune hain ki dono mein mass defect hota hai. दोनों में मास डिफेक्ट होता है, यहां पर भी मास डिफेक्ट एंड मास डिफेक्ट. मास डिफेक्ट का मीनिंग अब आप समझते हैं. जो मास लेके हम स्टार्ट करते हैं और जो चीजें हमको मिलती हैं, एक से ज्यादा न्यूक्लियस, इनके मास, इनका मास और इनका मास दोनों में डिफरेंस होता है, और ये मास थोड़ा सा कम हो जाता है, और दैट इज मास डिफेक्ट. और वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में. और उसके कन्वर्शन का फॉर्मूला क्या है? उसके कन्वर्शन का फॉर्मूला है एनर्जी इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर. ई इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर. इस फॉर्मूला से इनमें एनर्जी फॉर्म होती है. ओके, तो ये दो को अब हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे. पहले फिशन लेते हैं. ये फिशन के रिएक्शंस देखिए. यूरेनियम 235 एक बहुत बड़ा न्यूक्लियस है. इसको हमने हिट किया एक न्यूट्रॉन से. एक न्यूट्रॉन से हिट करने से ये बन गया 235 से 236, पर इसके चार्ज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, 92 रहेगा, इसलिए इसका नाम यूरेनियम ही रहेगा. ओके, ये 92-236 यूरेनियम ये अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है, ये अपने स्टेट में नहीं रुक सकता है, ये टूट जाता है. ये जब ब्रेक होता है तो इसमें आप देखेंगे ये रिएक्शन हो, भले ये रिएक्शन हो, भले ये रिएक्शन, तीनों में ये बनता है और बन के फिर टूट जाता है.
जब इस रिएक्शन में टूटता है तो जो टूटने के बाद हमको मिलता है उसको हमने चेक किया कि उसमें क्या क्या है, तो उसमें हमको मिलता है बेरियम, क्रिप्टॉन, नियोबियम, एंटिमनी, स्ट्रॉन्शियम, ये चीजें हमको मिली सब। तो ये समझ में नहीं आता है कि आखिर बनता क्या है, तो फिर हमने केमिकल इक्वेशंस के रूल्स लगा के बनाए कि अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते हैं, और ये समझ में आया कि यूरेनियम जब टूटता है तो उसका कोई नियम नहीं है, ये जरूर है कि वो टूटेगा, क्या बनेगा उसके लिए दो तीन पॉसिबिलिटीज हैं। जैसे हमने ये एक पत्थर का टुकड़ा लिया, इसके हमने दो टुकड़े कर लिए, तो हमने ऐसा रखा और एक बड़ा हैमर लेके घन लेके यहां पर ऐसा मारा, ये टूटेगा, दो टुकड़े हमने मालूम है, ये पूरा 100 ग्राम का है, जब हमने ऐसा मारा दो टुकड़े होंगे तो जरूरी नहीं है कि वो 50-50 के, एक 40 का हो सकता है, एक 60 का, एक 45 का और एक, लेकिन अगर हमारे हाथ में एक टुकड़ा आया 45 तो हम समझ गए दूसरा कितना है 55, अगर एक 50 आया तो दूसरा कितना है 50। इसी तरह से जब यूरेनियम टूटता है तो हम देखते हैं उसमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, उसके बाद हमने अपने कॉम्बिनेशन करके, केमिकल कॉम्बिनेशन करके बना लिया कि इस तरह से टूटना होगा ताकि हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाए। तो पहले हमको सबसे ज्यादा परसेंटेज इनका मिलता है बेरियम और क्रिप्टॉन, तो सबसे ज्यादा परसेंटेज यूरेनियम का टूटता है, बेरियम बनता है और क्रिप्टॉन बनता है, और हमको क्या मिलते हैं 3 न्यूट्रॉन फ्री, फ्री मीन्स फ्री स्टेट में, ये तो ये पहला रिएक्शन होता है और इसमें पूरी बैलेंसिंग है 92 का 56, 36 मास का देखिए 236 के तीन टुकड़े हो गए, 144 प्लस 89 प्लस 3 ये कंप्लीट हो गया 236। इस तरह से ये रिएक्शन होगा। अब इस रिएक्शन के बाद हम क्या देखते हैं कि बहुत सारी एनर्जी निकलती है, बहुत सारी एनर्जी निकलती है, क्यों, क्योंकि इसका मास थोड़ा सा कम हो जाता है, दैट मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का जो हमने ग्राफ बनाया था, उस बाइंडिंग एनर्जी के ग्राफ में ये यहां पर यूरेनियम था U238 और ये जो चीजें हैं 89 और 144, ये यहां पर 144 और 89 ये इसकी एनर्जी है, एनर्जी का लेवल, ये इसकी बाइंडिंग एनर्जी, ये इसकी बाइंडिंग एनर्जी, तो बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा हो रही है। तो जब बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होती है, बनने वाले चीज की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होती है तो एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी हम किसको कहते हैं, एनर्जी विच इज रिलीज, ये रिलीज वाली एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी है और ये उसके पास एग्जिस्ट कर रही है, दिस इज एग्जिस्टिंग। तो जब यूरेनियम होता है उसकी बाइंडिंग एनर्जी कम होती है और जब यही पार्टिकल क्रिप्टॉन बन जाता है तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाती है, इतनी ज्यादा, ये इसकी बाइंडिंग एनर्जी है विच इज रिलीज्ड, तो ये वाली एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज हो गई। इस तरह से ये एक्स्ट्रा एनर्जी इसमें रिलीज होती है और ये जो एनर्जी रिलीज होती है किस फॉर्म में होती है, तो इसके दो फॉर्मेट्स होते हैं, या तो हीट के फॉर्म में या फिर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। काइनेटिक एनर्जी का मतलब इसमें जो ये न्यूट्रॉन बनेंगे, ये बनेंगे, ये बनेंगे, इन सब के पास वेलोसिटी हो सकती है, अगर इन सब के पास वेलोसिटी होगी मीन्स इन सब के पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी, हीट, कुछ साउंड बनेगा तो वो वाइब्रेशंस, ये सब एनर्जी से निकलती है, एंड इट्स लॉट ऑफ एनर्जी, कितनी होती है, टू द ऑर्डर ऑफ 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर ना, एक फिशन से इतनी एनर्जी निकलती है, ठीक है। इस तरह से हम इसके फिशन की एनर्जी को देखते हैं, इट इज अ लॉट ऑफ एनर्जी। इस एनर्जी को हम कैसे हार्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए हम एक मशीन बनाते हैं, दैट प्लांट और दैट मशीन इज नोन एज न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ने के पहले हमको एक चीज पढ़नी है कि ये जो रिएक्शंस होते हैं क्या ये वाकई इतने आसान होते हैं, इसके होने में
क्या प्रॉब्लम है, क्या हम इसको इजीली कर सकते हैं, क्या डिफिकल्टी आती है और उस डिफिकल्टी को हम ओवरकम कैसे करते हैं। तो देखिए ये रिएक्शन क्या है, यूरेनियम 235 का एक न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस को एक न्यूट्रॉन में जाके हिट करना है। तो देखने में बड़ा सिंपल लगता है पर हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हमको जो यूरेनियम मिलता है नेचर में, U235 ऐसा बना बनाया रेडीमेड हमको नहीं मिलता है। हम जिस जगह पे जिस मिट्टी में यूरेनियम मिलता है उस मिट्टी को लेकर आते हैं, उसमें यूरेनियम बहुत कम होता है। तो एक टन को अगर हम प्यूरिफाई करके निकालेंगे तो उसमें से कुछ किलोग्राम ही हमको यूरेनियम मिलता है, और वो जो यूरेनियम होता है उस यूरेनियम में मोस्टली U238 होता है जो कि नहीं टूट पाता। फिशन होने के लिए हमको क्या चाहिए, U235। तो U238 नहीं टूटता है तो हमको U235 चाहिए। तो उसमें से भी हम प्यूरिफाई करके क्या बनाना चाहते हैं, U235। लेकिन हम 100% प्योर नहीं कर पाते। जितना भी प्योर करना हो उतना प्योर करने के बाद भी हम जो चीज बनाते हैं रिएक्शन कराने के लिए उसमें सिर्फ 0.7% उसमें यूरेनियम होता है बस, और बाकी दूसरी इंप्योरिटीज होती है। तो 0.7% इज ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी। अगर 1000 न्यूक्लियस सामने है तो उसमें से यूरेनियम 235 न्यूक्लियस होने का चांस क्या है, 7 out of 1000। तो इस तरह से उसका कंसेंट्रेशन बहुत कम होता है। अब हमने अगर एक जगह पर यूरेनियम रखा और उसको हिट कराया तो यहां पर 1000 पार्टिकल हमको रखने पड़ते हैं, और यहां से हमने एक न्यूट्रॉन को भेजा, ये न्यूट्रॉन जाकर इसको ऐसे हिट करेगा। अब हमको तो पता नहीं है कौन यूरेनियम है, इसने जाकर ऐसे हिट किया, अगर U235 को हिट नहीं किया तो वेस्ट हो गया। तो हम देख रहे हैं एक न्यूट्रॉन, दो न्यूट्रॉन, 100 न्यूट्रॉन हमने चलाए, किसी ने हिट नहीं किया क्योंकि चांसेस बहुत कम। तो हजारों न्यूट्रॉन चलाएंगे एक आध जाके हिट करेगा उसमें, बाकी सब वेस्ट। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि न्यूट्रॉन हिट ही नहीं करेगा। अच्छा अगर एक न्यूट्रॉन ने हिट किया तो उसमें से कितने न्यूट्रॉन निकलेंगे, 3। ये जो 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे ये वहां से निकले, निकलने के बाद ये अगर फिर से उसी मटेरियल में ही निकले, जब ये निकलते हैं तो सामने जो दूसरा एटम पड़ेगा उसमें जाके ये हिट करेंगे। अब वो एटम अगर उसका न्यूक्लियस U235 का नहीं हुआ तो क्या चांस है, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और फिर खत्म, रिएक्शन आगे नहीं होगा। एक तो वैसे ही हम परेशान है कि एटम में न्यूक्लियस कैसा होता है, जगह कितनी लेता है, बहुत बड़ा एटम और बहुत छोटा सा न्यूक्लियस, 1 लाख में से 1। तो न्यूट्रॉन जाएगा और उसी को मारेगा, इसके चांसेस भी बड़े कम होते हैं। लेकिन हम ये सोच के न्यूट्रॉन को छोड़ते हैं कि यहां पे इतना भरा हुआ है, इतना मटेरियल भरा हुआ है, यहां से जाएगा पूरा इसको पार करते 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 कहीं ना कहीं तो न्यूक्लियस मिलेगा, सामने वाला हिट करेगा। लेकिन उसमें भी हमारे चांसेस कम क्यों हो जाते हैं, इंप्योरिटी के कारण, क्योंकि 1000 में से सिर्फ 7 है और उस 7 में भी बहुत सी खाली जगह है, बाकी न्यूक्लियस और भी कम है। इसलिए चांसेस ऑफ हिटिंग ए न्यूट्रॉन टू ए यूरेनियम 235 इज वेरी वेरी रिमोट। इसलिए ये रिएक्शन करना उतना आसान नहीं है, ये एक प्रॉब्लम। सो ये वाला, सो दिस इज, ये हम इसको आप ये कह सकते हैं प्रॉब्लम्स इन फिशन या डिफिकल्टीज इन फिशन। डिफिकल्टी नंबर 1, चांसेस ऑफ हीटिंग, चांसेस ऑफ हीटिंग ए यूरेनियम बाय न्यूट्रॉन,
are very remote. बहुत कम चांस है कि वो एक न्यूट्रॉन जो है इसको हिट करे, ठीक है। दूसरी चीज, अच्छा इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि हमने किया क्या इसको करने के लिए, इस डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए हमने क्या किया। इस डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेशन करते जाते हैं, यानी इंप्योरिटीज निकालते जाएंगे और U-235 को ज्यादा प्योर करते जाएंगे। प्योर मतलब हमारे पास जो इतना सैंपल है उसमें से इंप्योरिटी निकालेंगे तो इतना सा बचेगा, उसमें परसेंटेज यूरेनियम की बढ़ जाएगी। दैट इज नोन एज एनरिचमेंट। मेटलर्जी की भाषा में इसको क्या कहते हैं, एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम। तो जो चीज हमारे पास है उसमें यूरेनियम रिच हो जाए, इस तरह से इंप्योरिटीज को हटा हटा के हम एनरिचमेंट करते हैं। तो ये जो चीज है, चांसेस आर वेरी रिमोट, दीज आर इंप्रूव बाय दिस एनरिचमेंट। ओके, सो यू कैन राइट इट इंप्रूव बाय और करेक्टेड बाय, करेक्टेड बाय एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम। ओके, दूसरा प्रॉब्लम हमारे पास होता है कि जब ये यूरेनियम जाकर उसको हिट करेगा तो हम ये देखते हैं कि यूरेनियम गया, सॉरी न्यूट्रॉन जाकर हिट करेगा, न्यूट्रॉन जाता है और एक यूरेनियम के न्यूक्लियस को हिट करता है तेजी से। यूरेनियम के न्यूक्लियस में कितने पार्टिकल्स है, 235, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिला के 235। तो ये जब इसको जाकर ऐसा हिट करेगा, ऐसे इसने हिट किया तो क्या होता है, हम ट्रेन में जाते हैं बहुत भीड़ है वहां पे, 235 लोग बैठे हैं, तो हम कैसे घुसे, बोले भैया थोड़ा हटो, घुसने दो, घुस गए, वो थोड़ा सा ऐसा हटा और हम घुस गए, फिर आगे गए पार करके चले। तो लोग थोड़ा सा हिले जुलेंगे और हमको जाने देंगे और हम चले गए, यही काम होता है। न्यूट्रॉन यहां से हिलता है, यहां से न्यूट्रॉन गया, इस सब ने उसको थोड़ी सी जगह दी, ये यहां चला गया, फिर सब ने जगह दी, फिर यहां चला गया, नहीं रुका, फिर सब ने जगह दी, फिर यहां चला गया और निकल गया सब लोग अपनी जगह, फिर सेट हो गया, कितना हो गया, 235, ये तो टूटा ही। तो क्यों नहीं टूटा, क्योंकि न्यूट्रॉन की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो उसको चीर कर निकल गया और उसको तोड़ नहीं पाया। कैरम बोर्ड जब हम खेलते हैं उसकी गोटियां एक के ऊपर एक रखते हैं और उसको हमको गिराना रहता है, जोर से स्ट्राइकर मारा, नीचे वाली गोटी को निकाल के ले गया, इसको हम इनर्शिया से एक्सप्लेन करते हैं, और बाकी पूरा का पूरा वैसे ही रहता है, टूटता नहीं है। तोड़ना है तो क्या करेंगे, कम एनर्जी वाला स्ट्राइकर मारेंगे, वो जाएगा आधा दूर तक घुसेगा और रुक जाएगा, अब वो पूरा ऐसा टेढ़ा होगा, गिर जाएगा। तो इसका ये मतलब है कि जिस चीज से आप छोड़ना चाहते हैं वो चीज उसके अंदर जाए, बाहर मत निकले, उसके अंदर ही रह जाए, तब वो ज्यादा सक्सेसफुल होगी उसको तोड़ने में, अंदर से तोड़ने में। तो ये एक प्रिंसिपल है जिसको हम लोग अपनाना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या होगा कि जिस न्यूट्रॉन से हम हिट कर रहे हैं वो न्यूट्रॉन हाई एनर्जी वाला न्यूट्रॉन नहीं होना चाहिए, लो एनर्जी वाला न्यूट्रॉन होना चाहिए, ताकि वो उसमें एंटर तो कर जाए और फिर उसमें से निकले मत। अगर वो उसके अंदर घुस गया और नहीं निकला तो वो 235 क्या बन जाएगा, 236 बनेगा। तो उसके साइज का क्या होगा, उसका साइज जो 235 था ये 236 हो गया। 236 होने से उसके डिस्टेंसेस कैसे हो जाएंगे, दूर। अगर डिस्टेंसेस दूर हो गए तो न्यूक्लियर फोर्स क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। न्यूक्लियर फोर्स यानी आपस में पकड़ने का फोर्स उसका वीक हो गया, लेकिन रिपल्शन का जो फोर्स है प्रोटॉन का वो तो उतना का उतना ही। और ये जो अट्रैक्शन का फोर्स था जिसने सबको बांध के रखा हुआ था वो फोर्स वीक हो गया।
तो जो ऑप्टिमम साइज होता है उस साइज से न्यूक्लियस ज्यादा बड़ा हो गया तो उसका अट्रैक्शन का फोर्स कम हो गया, अब वो अपने को संभाल नहीं पाता। संभाल नहीं पाता तो क्या करता है, जैसे ही ये न्यूट्रॉन उसके अंदर घुसता है, इसके पास मोमेंटम है, इस मोमेंटम के साथ वो इसमें घुसा, ये थोड़ा सा हिला, इसके कुछ पार्टिकल हिले और वो बाहर निकला नहीं तो साइज बढ़ गया। तो क्या होता है कि आप देखिए उतनी भीड़ में वो ऐसा घुस गया अंदर, इधर वाले लोगों ने इधर धकेल दिया, उधर जाओ, उधर चला गया वापस। ये कौन सा फोर्स होता है, इलास्टिसिटी में आप पढ़ते हैं, जब हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होता है हर चीज में। तो न्यूट्रॉन जब इसको ऐसे अंदर दबाएगा तो ये क्या करेंगे, वापस धकेलेंगे, उन्होंने वापस धकेला। जब इधर वापस धकेलते हैं तो ये लोगों ने जिसको उसको रास्ता दिया था फिर से सेट हो गए थे, ये फिर वापस आता है तो ये इस पे गुस्सा करके इसको इधर वापस धकेलते। तो ये जो न्यूट्रॉन जाता है ऐसा ऐसा ऑसिलेट होता है, ऐसे जब वो ऑसिलेट करता है तो ये जो चीज है जो इसकी शेप थी, हम ये सोचते हैं कि ये शेप आगे जाके ऐसी हो जाती है। ये क्यों हो गई ऐसी, ये इधर एक तरफ ग्रुप बनाया और इधर एक, ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है, ऑसिलेट करने से ये ऐसा हो जाता है, थोड़ी देर और ऑसिलेट करता है तो ये ऐसा हो जाता है, और बीच में एक यहां से ऐसा पतला होते जाता है, इसको हम कहते हैं यहां पर नेक डेवलप हो गई, एक नेक डेवलप हो जाती है और लास्ट में जाकर क्या होगा, Yes, ये रुकता नहीं है और फाइनली टूट जाता है, और जब ये टूटता है ये इस तरह से, और यहां से ऐसे 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 ये न्यूट्रॉन यहां से उड़ जाते हैं, फाइनली ये टूट जाता है, दिस इज फिशन। तो ये हमारा फिशन का रिएक्शन इस तरह से एक्चुअली सोचा गया कि इस तरह से होता है, ठीक है, ये नेक डेवलप होगी, नेक और पतली होती जाएगी और फाइनली टूट जाएगा। अब ये थोड़ा सा बड़ा थोड़ा सा छोटा ऐसा हो सकता है, तो इस केस में हमने देखा था क्या क्या बना था बताइए जरा, क्रिप्टॉन और बेरियम, ओके, इस तरह से ये दो इसके पार्ट हो गए और ये तीन न्यूट्रॉन इसमें से छिटक गए और उसके साथ बहुत सारी एनर्जी, ठीक है, उसके अलग होने की, क्योंकि उसको उतनी एनर्जी नहीं चाहिए। तो ये होता है न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन। अच्छा, तो ये हमको, हम क्या चीज पढ़ रहे थे, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर जब ये न्यूट्रॉन निकलता है तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं यहां से जो हमको एनर्जी मिली है ये न्यूट्रॉन जाएगा, जाकर एक दूसरे यूरेनियम को हिट करेगा, वो यूरेनियम टूटेगा, टूटेगा और एनर्जी देगा, फिर उसका जो न्यूट्रॉन निकलेगा वो तीसरे यूरेनियम को हिट करेगा, उससे और एनर्जी हमको मिलेगी, इस तरह से एनर्जी मिलते जाएगी। पर ये हमारी जो कल्पना है, जो इमेजिनेशन है, इसमें दो जगह ब्रेक लगती है, एक कि जो न्यूट्रॉन निकलेगा वो दूसरी जगह यूरेनियम को हिट करने की बजाय किसी और को हिट कर देता है, वो हमने पहले भी पढ़ लिया, ये प्रॉब्लम था। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि वो इतनी तेजी से जाता है कि दूसरे को पंचर करके निकल जाता है, बाय चांस U235 मिली तो उसको पंचर करके चला जाएगा, क्योंकि इस न्यूट्रॉन के पास क्या है, बहुत सी एनर्जी है और इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। अब ये तो टूटने से न्यूट्रॉन बना है, इसके पास स्पीड ज्यादा है तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम इसकी स्पीड को कम करना चाहते हैं, अगर हम कम नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, अगला यूरेनियम टूटना बंद और न्यूक्लियर रिएक्शन होना बंद। तो न्यूक्लियर रिएक्शन करना अपने आप में बहुत बड़ा चांस लेना है, एक तो ये हमने देखा, दूसरा ये फास्ट न्यूट्रॉन के कारण ये रिएक्शन नहीं हो पाता, तो इसका भी कोई करेक्शन हमने सोचा, तभी तो न्यूक्लियर रिएक्शन कर पाएंगे, तो इसका हमने क्या करेक्शन सोचा, इसका करेक्शन जो सोचा है वो आपने क्लास 11th में पढ़ा है कोलिजन के चैप्टर में, कोलिजन के चैप्टर में इफ
two masses collide with each other, then their velocities are exchanged. अगर दोनों का मास एक बराबर हो तो वेलोसिटी ऑलमोस्ट एक दूसरे की एक्सचेंज हो जाती है. तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर पूरे एटमॉस्फेयर में ड्यूट्रियम का बना हुआ पानी H2O, H2O में जो H लेते हैं वो कौन सा H लेते हैं, ड्यूट्रियम वाला H लेते हैं, ठीक है, वो हैवी वाटर बोलेंगे उसको, वो या ऐसी ही कोई दूसरी चीज वो इसके चारों तरफ भर देते हैं. जब वो इसमें भर देते हैं तो न्यूट्रॉन जाता है, तो जाते जाते किसी ना किसी के न्यूक्लियस को हिट करेगा, किसके, ड्यूट्रियम के. और ड्यूट्रियम में एच का मास कितना होता है, 2. ये न्यूट्रॉन जब इससे टकराता है तो कोलिजन के नियमों से दोनों की वेलोसिटी भी आपस में एक्सचेंज हो जाएगा. ओके, एक्सचेंज हो जाएगा तो इसकी वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, हाई, क्योंकि न्यूट्रॉन की वेलोसिटी कैसी थी, हाई, और न्यूट्रॉन की वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, जो इसकी वेलोसिटी है. और इसके पास कौन सी वेलोसिटी है, तो हमारा आंसर है इसके पास थर्मल वेलोसिटी. थर्मल वेलोसिटी क्या होती है, थर्मल वेलोसिटी आपने पढ़ा हुआ है काइनेटिक थ्योरी के चैप्टर में, थर्मल वेलोसिटी एनर्जी कितनी होती है, 3/2 kT. ये एनर्जी से थर्मल वेलोसिटी बनती है और ये वेलोसिटी काफी कम होती है. वो जो कम वेलोसिटी है उसके कारण इसके अंदर के पार्टिकल ऐसा चलते रहते हैं, मूव करते रहते हैं हमेशा. ओके, तो ये इसके पास एनर्जी कम है, इसके पास कम वेलोसिटी है. जब इससे हाई वेलोसिटी का न्यूट्रॉन टकराएगा तो दोनों की वेलोसिटी आपस में एक्सचेंज हो जाएगी, ये हाई वेलोसिटी का हो जाएगा और न्यूट्रॉन स्लो वेलोसिटी का हो जाएगा. इसके पास थर्मल वेलोसिटी थी और उसके पास न्यूक्लियर रिएक्शन की वेलोसिटी थी बहुत ज्यादा. वो न्यूक्लियर रिएक्शन की वेलोसिटी उसने इसको दे दी और इसकी थर्मल वेलोसिटी खुद ले ली, तो उस न्यूट्रॉन का नाम हो गया थर्मल न्यूट्रॉन. क्या नाम हो गया, थर्मल न्यूट्रॉन. और उसकी स्पीड कम हो गई, मैं अभी बताता हूं आपको देख के, उसकी हमको एनर्जी बहुत कम चाहिए. एनीवे, तो ये जो एनर्जी, कम एनर्जी मिलेगी, इस एनर्जी से सिर्फ वो इतनी ही होगी कि इसमें एंटर करेगा और एंटर करने के बाद निकल नहीं पाएगा, राइट. तो ये हमने तरीका बना लिया, सो दैट इज थर्मल न्यूट्रॉन. ये हमको उसका तरीका मिल गया. तो ये जो दूसरी चीज हमने पढ़ी, इसके प्रॉब्लम को आप क्या लिखेंगे, द न्यूट्रॉन्स हैव वेरी हाई स्पीड, दे विल पेनिट्रेट द न्यूक्लियस, पास थ्रू इट एंड विल नॉट ब्रेक इट. टू मेक इट स्लो स्पीड, इट इज इंटरैक्टेड विद हाइड्रोजन और सम अदर रिटार्डिंग मटीरियल, सो दैट देयर वेलोसिटीज आर एक्सचेंज्ड एंड न्यूट्रॉन गेट्स द थर्मल वेलोसिटी. नाउ इट्स नेम इज थर्मल न्यूट्रॉन, इट्स स्पीड इज लो एंड नाउ व्हेन इट स्ट्राइक्स ए न्यूक्लियस देन इट विल नॉट पेनिट्रेट इट, इट विल सिंपली रिमेन इनसाइड इट एंड इट विल बी एबल टू ब्रेक इट. It will be able to break it. तो ये हमने दूसरे प्रॉब्लम से काट पाया, समझ में आया. तो ये जब हम दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं तब हमारे पास क्या चांसेस बनते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शन होगा, ठीक है. तो इस तरह से ये प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके हम न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट कर सकते हैं. तो बताइए शॉर्ट में दो प्रॉब्लम क्या हुए, नंबर वन impurities in uranium, the chances of hitting are very less. Number two, high speed of neutrons, so the penetration will be there but the breakage will not be there. और दोनों के इलाज भी आप समझ गए, एक में हमको concentration ज्यादा करना है, दूसरे में हमको uranium की, दूसरे में हमको neutron की velocity को कम करना है और वो हम collision के exchange से कर लें. ये दोनों प्रॉब्लम दूर करके हम इसके रिएक्शन कर सकते हैं. अब तीसरे तरह का प्रॉब्लम, तीसरे तरह का प्रॉब्लम ऐसे होता है कि जब ये न्यूट्रॉन जाकर हिट करेगा एक यूरेनियम को, तो हमने रिएक्शन में देखा है कितने न्यूट्रॉन निकलते हैं, 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, 3 न्यूट्रॉन,
ओके, तो ये एक न्यूट्रॉन ने हिट किया यूरेनियम 235 को और इसमें से तीन न्यूट्रॉन निकलते हैं। ये तीन न्यूट्रॉन बाई चांस जाके इन तीनों ने ही यूरेनियम को हिट कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने कंसंट्रेशन बहुत बढ़ा दिया, उसके आसपास हैवी वाटर रख दिया, ये सारे इंतजाम कर दिए। अब ये तीनों गए और तीनों ने जाके एक और एक एक के यूरेनियम को हिट कर दिया, यूरेनियम यूरेनियम। तो इसमें से अब कितने निकले? तीन, और इसमें से भी तीन। ये तीन निकलने से हमको कितनी एनर्जी मिलती है? 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे ही ये तीन निकलते हैं, ये दूसरे तीन को हिट करते हैं, तो ये तीनों भी टूट गए, कितनी एनर्जी मिल गई? 3.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां से हमको मिली 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां से मिली 600 MeV, और अब ये कितने हैं? 9। ये जो 9 ने आगे हिट किया, इससे हमको ये सब टूटे, कितने मिले? 18 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अब ये कितने हो जाएंगे? 9 × 3 = 27। फिर 27 गुजा करिए, फिर ये 27 × 3 = 51। अच्छा, इसमें टाइम कितना लगता है? तो टाइम तो पलक झपकते भी नहीं लगता, एक माइक्रोसेकंड में नहीं लगता है। एक रिएक्शन हुआ और धड़ दूसरे रिएक्शन, तीसरे रिएक्शन ऐसे स्टार्ट हो जाते। एक केमिकल ऐसा हिट करेगा, इतनी स्पीड से हिट करेगा, दिस इज ऑलमोस्ट लेस देन 1 μs। तो 1 सेकंड होने से तो ये चेन कितनी आगे पहुंच जाएगी और कितनी एनर्जी रिलीज होगी? दैट इज एनॉर्मस एनर्जी। क्यों? द रिएक्शन इज वेरी फास्ट, इंस्टेंटेनियस। तो ये एनर्जी ऐसे 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 आगे चलती जाएगी और इतनी ज्यादा ये एनर्जी हो जाएगी कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, एंड इट विल ब्लास्ट। ये जो ब्लास्ट होता है, दैट इज अनकंट्रोलेबल रिएक्शन। फिर से देखिए इसको, यहां पर अब थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स इसकी लेते हैं। यूरेनियम को हमने तोड़ा, दूसरे यूरेनियम को टूटा, फिर उससे एक न्यूट्रॉन निकला, उसने तीसरे को तोड़ा, उसने चौथे को तोड़ा, उससे निकले हुए ने पांचवे को तोड़ा, एक चेन बन गई, इसलिए हमने इसका नाम रखा चेन रिएक्शन। सो व्हाट इज ए चेन रिएक्शन? चेन रिएक्शन व्हेन वी इग्नाइट, वी ब्रेक ओनली वन न्यूक्लियस, देन द न्यूट्रॉन कमिंग आउट फ्रॉम दैट वन न्यूक्लियस, दे ऑटोमेटिकली गो ऑन ब्रेकिंग अदर न्यूक्लियसेस। हमने तो सिर्फ इसको तोड़ा, इसने आगे जाके इसको तोड़ा, इसने आगे इसके जो न्यूट्रॉन निकले हैं, इसने इसको तोड़ा, इसके न्यूट्रॉन ने अगले वाले को तोड़ा, then what do we say? What is happening? This is a chain reaction. ये है chain reaction. इसकी definition आप लिख लेंगे, ठीक है? Chain reaction in nucleus. Nuclear reactor. What does that mean? The first reaction we start, then the neutron released from one nucleus are able to ignite the next reaction. The neutron released in the second reaction able to ignite themselves the third reaction. In this way, the reaction goes on automatically and spontaneously. We don't have to exert after that. So nuclear reactions are which type of reactions? Chain reactions. Now, a chain reaction has been divided into two categories, two classifications. One is controllable, one is uncontrollable. अभी आपने जो example मैंने आपको समझाया, ये 1, 3, 9 इस तरह से चलता जाएगा 3 to the power n. इस तरह से होते चले जाएंगे और ये इसमें से जो एनर्जी निकलेगी, दैट एनर्जी विल बी सो मच दैट वी विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल इट एंड इट विल ब्लास्ट। ये कौन सा चेन रिएक्शन है? दिस इज अनकंट्रोलेबल चेन रिएक्शन। तो कंट्रोलेबल चेन रिएक्शन क्या होता है? तो कंट्रोलेबल चेन रिएक्शन देखिए, यहां से तीन न्यूट्रॉन निकले,
तीन न्यूट्रॉन निकले, हमने ऐसा इंतजाम किया कि ये तीन हिट ना कर पाए, सिर्फ दो को हिट करने दिया और सिर्फ एक को हिट करने दिया और बाकी दो को हमने किसी दूसरे चीज में एब्जॉर्ब कर दिया। फिर उसके बाद इसमें से तीन निकले, इस तीन में से एक ने इसको ब्रेक किया और बाकी दो हमने जो दूसरा मटेरियल लगाया था उसमें एब्जॉर्ब हो गए। फिर इसमें से एक निकलेगा, एक टूटा और बाकी दोनों फिर कहीं एब्जॉर्ब हो गए। तो अब आप देख रहे हैं टाइम एक सेकंड बीता, दो सेकंड बीता, तीन सेकंड बीता, लेकिन यूरेनियम कितना टूट रहा है, एक फिर एक फिर एक फिर एक फिर एक फिर एक। पहले कैसे टूट रहे थे, 1, 3, 9, 27, 51 एंड ज्योमेट्रिक सीरीज एकदम से ब्लास्ट हो जाता था। आप कैसे टूट रहे, 1, 1, 1, 1, दिस इज कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। तो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में क्या होगा, एक कैलकुलेटेड अमाउंट दैट इज 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उतना एनर्जी एक एमिशन की निकलती है। हमको मालूम है, हमने वहां इतना इंतजाम किया हुआ है, ठंडा पानी लगाया हुआ है कि जहां वो एनर्जी निकलती है और ये पानी गर्म होना शुरू होता है, ये पानी आगे बढ़ता है, पीछे से फिर ठंडा पानी आ जाता है, फिर ये इसको लेके आगे बढ़ता है, पीछे से फिर ठंडा पानी आ जाता है। तो हमने इंतजाम किसको निकालने का किया, 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हीट को निकालने का इंतजाम किया है, ठंडा वाटर ठंडा पानी वहां से फ्लो होते रहता है कोल्ड वाटर। लेकिन अगर ये अचानक 51 टाइम्स बढ़ जाएगा तो हमारा वाटर उतनी हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा एंड देयर विल बी ए ब्लास्ट, दैट इज न्यूक्लियर ब्लास्ट, जिससे सब न्यूक्लियर प्लांट वाले डरते हैं। ओके, तो इस तरह से ये कौन सा रिएक्शन हो गया, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में रिएक्शन तो हम कर रहे हैं और उसकी एनर्जी को हम निकालते हैं। पानी को हमने उबाला, उससे आगे गया, दूसरा पानी आया, वो ये जो उबलता हुआ पानी है जिससे स्टीम बनती है, इस स्टीम से हम पावर हाउस चलाते हैं क्योंकि हमको पावर हाउस चलाने के लिए स्टीम चाहिए। ये एनर्जी को इस तरह से स्टीम से हमने पावर हाउस चलाया, इस एनर्जी को हार्नेस किया पाला और इससे हमने पावर हाउस चला के इलेक्ट्रिसिटी बनाई, अपने सारे काम किए। लेकिन अगर ये अनकंट्रोल्ड हो गया तो ब्लास्ट हो जाएगा। तो अगर हम ब्लास्ट करना चाहते हैं तो अनकंट्रोल्ड कर लेंगे, वो वाला चेन रिएक्शन कराएंगे तो ब्लास्ट होगा और उसका नाम हमने रखा एटम बॉम्ब। एटम बॉम्ब में क्या होता है, पूरी क्वांटिटी हमने डाल दी, उन्हें दिया रिएक्शन और ये इतनी तेजी से होता है कि ब्लास्ट हो जाएगा, दैट इज एटम फिशन। तो हमारे हाथ में यूरेनियम 235 है, हमारे हाथ में इसको रिएक्शन करने की टेक्नोलॉजी है। अब उसमें चेन रिएक्शन कंट्रोल करेंगे या अनकंट्रोल करेंगे ये हमारी मर्जी है। इसका ये मतलब है हम उससे बॉम्ब भी बना सकते हैं और हम उससे पावर हाउस भी चला सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, अपनी कंट्री का डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जितनी भी अच्छी डेवलप्ड कंट्रीज हैं सब इसको यूज करती है, किस लिए, डेवलपमेंट के लिए, सब उससे पावर हाउस बनाते हैं और हमारे यहां भी बहुत पावर हाउस इससे बने हुए हैं। ये जो रिएक्शन होता है इस प्लांट में, दैट इज नोन एज न्यूक्लियर रिएक्टर और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। लेकिन ये नॉलेज अगर एक कंट्री के पास आ जाता है तो एक बार उसको यूरेनियम तोड़ना आ गया तो फिर तो चाहे तो बॉम्ब भी बना सकते और सब ये कर लेते चोरी चीज। अभी हमारी कंट्री के पास भी बॉम्ब है, हमारे नेबरिंग कंट्री के पास भी बॉम्ब है, सबके पास और टेक्नोलॉजी, तो जब आप यहाँ इतनी टेक्नोलॉजी पढ़ते तो टेक्नोलॉजी तो आजकल सब जगह अवेलेबल है और ऐसा पढ़ करके सबको मालूम है कि बॉम्ब कैसे बनता है। हाँ, यूरेनियम 235 का इंतजाम करना, उसका एनरिचमेंट करना, ये हर एक बस की बात नहीं। इवन इतनी बड़ी कंट्री हमारी है, हम लोग भी यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं कर पाते क्योंकि पहली चीज यहां यूरेनियम उतना होता नहीं, जो यूरेनियम होता है दैट इज U238 और उसके बाद वो U238 से ज्यादा रिएक्शन नहीं होते और उसको एनरिचमेंट करने के प्लांट भी हमारे पास नहीं है। तो उसमें हम लोग एक और प्रोसेस लगाते हैं, फिलहाल उस प्रोसेस को
देखते हैं अगर आगे आएगा तो उसको भी पढ़ लेंगे। तो कौन सी कंट्री तक पाती है यूरेनियम प्रोडक्ट के बारे में? जिनके यहाँ यूरेनियम होता है, रशिया, जापान, चाइना, अमेरिका। यस, तो इस तरह से ये सब कंट्रीज कर लेती हैं। और इस तरह से हमारे पास रिएक्टर्स हैं, U-238 है, और हम लोग काफी इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन यूरेनियम हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। ओके, तो ये फिशन के हमारे रिएक्शन थे। फिशन के रिएक्शन में क्या हम यूरेनियम 238 यूज कर सकते हैं? तो आंसर है यस, यूरेनियम 238 भी हम यूज कर सकते हैं। यूरेनियम 238 के लिए हमको स्पेशल प्लांट लगता है, लेकिन उसमें रिएक्शन कैसे होता है? तो उसका आंसर है यूरेनियम 238, यूरेनियम 238 इसमें एक न्यूट्रॉन से हिट करते हैं एंड दिस कन्वर्ट्स इनटू 239 यूरेनियम। ये जो है यूरेनियम 239, सॉरी दिस अगेन ब्रेक्स अप। ये जब ब्रेकअप होता है तो ये ब्रेकअप होके वन न्यूट्रॉन 239 92 ये कन्वर्ट हो जाता है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है तो इसका चार्ज कैसा हो जाएगा? एक माइनस को माइनस कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा बताइए? 91 93 93, क्योंकि प्लस बाहर नहीं निकला है, माइनस बाहर निकला है। ठीक है, सो 92 में से बाहर निकला कौन? माइनस वन, कितना आ गया? 93। तो यहां पर हमको क्या मिलता है? मास 239, नंबर 93। अब चूंकि इसका नंबर 93 हो गया, इसलिए अब हम इसको यूरेनियम नहीं कह सकते, इसका हमने नया नाम रखा और ये नाम इसका एनपी। एनपी किसके लिए है? नेप्टूनियम या नेप्च्यून ऐसा कुछ होगा। ओके, ये बना। और इसके साथ ये इस तरह से बन गया। ऐसा भी लिख सकते हैं या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस प्लस इलेक्ट्रॉन। ओके, और इसके साथ एक एंटी न्यूट्रिनो ये बन। अब ये जो चीज बनती है 239 93, ये अनस्टेबल होता है और ये फिर से टूट जाता है। ये जब टूटता है और इसमें से एक न्यूक्लियस निकल जाता है और ये टूट के फिर बचता है प्लूटोनियम Np 93 239। This become plutonium and this plutonium is 94 239। Okay, तो ये जो 239 होता है, इस 239 में बीटा डीके होता है और उस बीटा डीके के कारण ये 92 से क्या बन गया? 93, और फिर 93 से क्या बन गया? 94। यहां आकर ये रुकता है, ये प्लूटोनियम। पर प्लूटोनियम की अपनी, ये रेडियो एक्टिव मटेरियल है प्लूटोनियम, इसकी अपनी हाफ लाइफ बहुत कम होती है और ये फिर से ब्रेक हो जाता है और ये ब्रेक होके इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकलता है। अगर इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा, अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस, ये अगर इसमें से निकलेगा तो 94 में से 2 गया तो क्या बचेगा? 92, और इसमें क्या बचेगा? 239 माइनस 4 235। अब 92 नंबर है
तो इसका नाम क्या होगा? यूरेनियम. सो दिस इज अगेन यूरेनियम. ओके, तो यूरेनियम 238 ये रिएक्शन चला और ये क्या बन गया? यूरेनियम 235. ठीक है, इस तरह से 238 को 235 में कन्वर्ट करते हैं और 235 एक ऐसा यूरेनियम न्यूक्लियस है जिसके अंदर न्यूट्रॉन जाए तो वो ब्रेक हो जाता है. लेकिन ये जो प्रोसेस है 238 से 235 करना, दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस. इसके लिए हमको हाई एनर्जी न्यूट्रॉन चाहिए और ये एक फास्ट ब्रीडर प्लांट में होता है, दैट वी डिड नॉट हैव. इंडिया में यू 238 थोड़ा सा मिलता है लेकिन 235 नहीं मिलता है. तो 238 के लिए हमारे पास प्लांट नहीं. हमारे जितने प्लांट लगे हुए इंपोर्ट किए हुए सब 235 पे हैं. अभी अभी जो लास्ट प्लांट लगा है वो यू 238 के लिए. ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारे पॉलिटिक्स कंडीशंस थी कि क्यों नहीं लग रहे थे, क्यों लग रहे थे. तो अब हमारे एग्रीमेंट हो रहे हैं वी आर गेटिंग 235 एज वेल एज टेक्नोलॉजी फॉर कन्वर्टिंग 238 टू 235. तो ये बनता है 238 से. अब ये सारे काम इसमें होते हैं, तो ये सारे काम एक न्यूक्लियर रिएक्टर में होते हैं. और अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या क्या चीजें होती हैं, उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं. अब इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए. ये एक चैम्बर है जिसमें रिएक्शन होता है. इस चैम्बर को क्या कहते हैं? कोर. इस कोर के अंदर ये हमने फ्यूल रॉड्स रखे हैं. ये फ्यूल रॉड क्या होता है? एनरिच्ड यूरेनियम. फ्यूल रॉड इज व्हाट? एनरिच्ड यूरेनियम. इसकी सफिशियंट क्वांटिटी आसपास क्लोज रख देते हैं ताकि एक से न्यूट्रॉन निकले तो दूसरे को हिट कर सके, आपस में भी हिट कर सके. तो क्वांटिटी सफिशियंट इसकी हम यहां पर डाल देते हैं. तो न्यूट्रॉन हिट करके अब यहां से जो न्यूट्रॉन निकलेंगे उसकी स्पीड को कम करना जरूरी है. कम करने वाली जो मटीरियल होती है उसका नाम क्या होता है? मॉडरेटर. व्हाट इज मॉडरेटर? इट मॉडरेट्स द स्पीड, इट मॉडरेट्स द एनर्जी. इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? हैवी वाटर यूज कर सकते हैं, चीजें आती वो भी यूज करते हैं. ओके, तो ये हैवी वाटर मॉडरेटर इसमें भरा हुआ है. यहाँ से न्यूट्रॉन निकल के जब यहाँ जाएगा हिट करेगा तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी. तो ये ऐसे एक दूसरे को हिट करते हैं और इतनी सफिशियंट क्वांटिटी हमने ऐसे भर ली उसमें. जैसे ये सब बहुत सारे हमने ऐसे रॉड लिए और ये सब रॉड का एक गुच्छा बनाया और गुच्छा बना के ऐसे रख दिया. अब देखिए इसमें एक दूसरे को हिट करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए और अगर इसी को और इतना मोटा बना देंगे तो हिट करने के चांसेस और ज्यादा हो जाएंगे. तो इसीलिए हमारे पास एक क्रिटिकल क्वांटिटी होती है. क्रिटिकल क्वांटिटी मतलब उतनी क्वांटिटी होने से ही रिएक्शन हो सकता है. अगर उस क्वांटिटी से कम होगा ये तो ये रिएक्शन अकेला नहीं कर पाएगा. इसीलिए जब यूरेनियम को स्टोर करते हैं तो उसके ऐसे अलग अलग रॉड बना लेते हैं और इस रॉड को लेड वाले जैकेट में डाल के स्टोर में रखते हैं. तो इससे न्यूट्रॉन निकलते हैं क्योंकि वो रेडियो एक्टिविटी है, वो तो निकलेंगे. वो निकलते हैं, लेड उसको एब्जॉर्ब करता रहता है, बस फिशन नहीं होता. फिशन के लिए हमको चेन रिएक्शन चाहिए. तो ये चेन रिएक्शन क्रिएट नहीं कर सकता. चेन रिएक्शन कौन क्रिएट करेगा? पूरा पैकेट. क्योंकि उसमें इतनी क्वांटिटी हो जाएगी कि इतने चांसेस बन जाएंगे कि वो एक दूसरे को तोड़ जाए. ओके, वो क्वांटिटी हमने यहां पर लगाई. अब यहां से न्यूट्रॉन निकलते हैं, स्लो हो जाते हैं, हिट करते हैं. हिट करने से रिएक्शन होता है और चेन रिएक्शन होता है, खूब सारी हीट निकलती है. ये पूरा कोर हीटअप हो जाता है. ये पूरा कोर जब बहुत हीटअप हो जाता है तो यहां से हमने एक पानी का पंप लगाया हुआ है और इस पंप से यहां पर इसके अंदर हम यहां पर एक लिक्विड डालते हैं. दिस मे बी लिक्विड सोडियम या दिस मे बी प्रेशराइज्ड वाटर.
ये यहाँ आता है लो टेम्परेचर पे, इसके कांटेक्ट में आएगा तो इसका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा। मान लो इसका टेम्परेचर हो गया 800 डिग्री, और ये यहां से फिर ऐसा जाने लगता है। अब यहां से जो जा रहा है इसका टेम्परेचर कैसा है, 800 वेरी हाई टेम्परेचर, इसको हम एक दूसरे टैंक में से ले जाते हैं। ये टैंक वाला एक अलग ही सिस्टम है, ठीक है, ये उसके अंदर से जाता है पर ये पानी इसके साथ मिक्स नहीं हो सकता। सिर्फ क्या चीज एक्सचेंज हो सकती है, हीट। इसकी हीट इसको मिलती है, ऐसे हम इसको घुमाते हैं जैसे हमारी कार का रेडिएटर होता है, उस तरह से ये हीट इसको मिलती है तो इसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। ये टेम्परेचर बंद हो गया 400, तो 400-300 ऐसा टेम्परेचर होगा तो वाटर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम। दिस सुपरहीटेड स्टीम यहां से जाती है और स्टीम किसको चलाती है, टरबाइन। टरबाइन किसको चलाता है, जनरेटर, और उसे वो पावर। सो दिस इज स्कीम डायग्राम और स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ थर्मल पावर स्टेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर स्टेशन। अब इसमें और चीज देखिए, क्या इसमें ब्लास्ट नहीं हो सकता है, तो क्या होता है, यहां पर न्यूट्रॉन जा रहे हैं, यहां से हमने टेम्परेचर कंट्रोल करके रखा हुआ है कि यहां से अगर 300 जाता है यहां पर 800 निकलता है। अगर यहां से 300 जा रहा है और ये 800 से 900 हो गया, 1000 हो गया, इसका मतलब क्या है, रिएक्शन बढ़ रहा है। तो हमने यहां पर ये रॉड लगाए, ये रॉड किसके हैं, कैडमियम, कैडमियम के रॉड है, इसके साथ कंप्यूटराइज्ड मोटर है। जैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है यानी ज्यादा हीट निकलने लगती है, वो मोटर इन रॉड्स को नीचे कर देती है। अगर ये रॉड ऐसा नीचे आ गया तो यहां से जो न्यूट्रॉन निकलेगा ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, दूसरे यूरेनियम को पहुंचने नहीं देगा, तो रिएक्शन कम हो जाएगा, सिर्फ नीचे के रिएक्शन रह जाएंगे। तो कंप्यूटर इसको नीचे करता है तो क्या होते, रिएक्शन कम होने लगते, ठीक है। अगर रिएक्शन कम होंगे तो हीट कम हो जाएगी, लेकिन अगर ज्यादा ही कम हो गए तो क्या होगा, बंद होने लगेगा और इसका टेम्परेचर 800 से नीचे 700-600, तो उनको क्या समझ में आ गया, रिएक्शन कम हो रहे, फिर रॉड को उठा दो। तो इसलिए इन रॉड्स का नाम हमने क्या रखा, कंट्रोल रॉड्स, ये रिएक्शन की हीट को कंट्रोल करते रहते, ठीक है। इसके बाद एक और सेफ्टी रॉड्स भी होते हैं, सेफ्टी रॉड्स रेड के बने रहते हैं। अगर बाई चांस इसकी मोटर ने काम करना बंद कर दिया, कंप्यूटर ने बंद कर दिया, या किसी कारण से ये इसके रिएक्शन को नहीं रोक पाया, तो वो सेफ्टी रॉड्स जो रहते हैं लेड के बने हुए, वो पूरे के पूरे एक पाइप जैसे रहते हैं, ये पाइप, ये पूरा का पूरा पाइप ऊपर से छोड़ देते हैं, ऐसा गिर के इसको ढक, इसको पूरा का पूरा ऐसा लेड से कर दिया, दैट इज इन इमरजेंसी। तो इमरजेंसी के लिए वो सेफ्टी रॉड रहते हैं, उसको ऐसा ढक दिया, रिएक्शन सारा पूरा का पूरा रिएक्शन। तो ये हमेशा कंट्रोल करते रहेंगे, ऊपर नीचे कंप्यूटर से होते रहते जैसी हीट चाहिए, सेफ्टी वाले सिर्फ सेफ्टी के लिए, ओके। तो इस तरह से इसमें हीट बनती है और इससे हम लोग रिएक्शन करते हैं, दिस इज न्यूक्लियर रिएक्टर। अच्छा, ये न्यूक्लियर रिएक्टर के बाद में अब खाली एक चीज बचती है, फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन अभी हम लोग के पास टाइम नहीं है, आप उसको कर लीजिएगा। दो हाइड्रोजन मिलाकर एक हीलियम बनती है और उसमें से बहुत सारी हीट एनर्जी निकलती है। इसके चार रिएक्शन आपको याद कर ले, सन में जो हीट निकलती है वो किसके कारण है, फ्यूजन रिएक्शन के कारण सन से हीट निकलती है। फ्यूजन की हीट की एनर्जी जब आप उसका इक्वेशन देखेंगे तो पर केजी या पर ग्राम एनर्जी किसकी ज्यादा निकलती है तो आपको पता लगेगा कि हाइड्रोजन को हीलियम बनाते हैं तो पर ग्राम एनर्जी ज्यादा होती है। ये हमने जो पर फिशन निकाली, एक फिशन में कितना यूरेनियम लगता है, 235 ग्राम, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन को मिलाया तो 2 ग्राम। उस 2 ग्राम से अगर मान लो एनर्जी निकलती है 4, तो हाँ उससे एनर्जी अलग अलग निकलती है, 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी निकलती है। अगर उससे 2 ग्राम से 4 निकली तो पर ग्राम कितनी हुई,
2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये 238 है, 238 ने कितनी निकाली 200, तो इसमें पर ग्राम आप निकालेंगे तो कम आएगा 0.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, और उसमें कितना आ रहा है 2, तो वो वाली एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। कौन सी? फ्यूजन की, याद रखिए। दूसरा, फ्यूजन की जो एनर्जी होती है वो बड़ी क्लीन होती है, क्योंकि इसमें हमको वो निकलते हैं गामा रेज, रेडिएशन, दैट रेडिएशन इज वेरी हार्मफुल। वो जो गामा रेज निकलते हैं वो इवन ह्यूमन जीन्स को भी डैमेज करते हैं, वो इतने नुकसान वाले होते हैं, एंड दैट रेडिएशन इज द कॉज ऑफ कंसर्न कि वो नहीं होना चाहिए। फिजन रिएक्शन में रेडिएशन होता है, फिजन रिएक्शन में जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, क्रिप्टॉन है या दूसरी चीजें आपने सब लिखी, वो भी रेडियो एक्टिव होते हैं, उससे क्या होगा कि वो भी टूटते रहेंगे और उसमें से भी गामा रेज निकलती रहेंगी। अब इन्होंने फैक्ट्री के बाहर कचरा फेंक दिया, दैट इज न्यूक्लियर वेस्ट, उसमें से भी रेडियो एक्टिविटी के कारण गामा रेज निकलती रहती है। तो वो उन्होंने जिस नाले में डाला, वो नाला नदी में गया, उस नदी के पूरे पानी में सब गांव वाले उसको पीते हैं, यूज करते हैं, तो सब जगह क्या हो जाएगी? रेडियो एक्टिविटी, और सबके सब डैमेज हो जाएगा, सबके सेल, सबके जीन्स डैमेज हो जाएंगे। सो दिस इज फिशर इज ए वेरी वेरी डेलिकेट रिएक्शन एंड इट नीड्स लॉट ऑफ कंट्रोल। लेकिन फ्यूजन में आप देखिए कि फ्यूजन में ये नहीं होता, क्या नहीं होता? रेडियो एक्टिविटी ही नहीं होती, उसके ऐसे मॉलिक्यूल ही नहीं, ऐसे उसके न्यूक्लियस नहीं होते जो रेडियो एक्टिव होते, तो ये वाला प्रॉब्लम उसमें नहीं है। उसमें बाय प्रोडक्ट क्या बनता है? इसमें जब बाय प्रोडक्ट बना, उसमें बाय प्रोडक्ट पानी बनता है, H2O, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरह से फ्यूजन की एनर्जी ज्यादा क्लीन होती है, लेकिन हम लोग उसको बना नहीं पाते। फ्यूजन में बनाने के लिए हमको बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, और हाई टेम्परेचर 10^7 आएगा तो हाइड्रोजन के पास इतनी उसके इतनी एनर्जी आ जाएगी, इतने जोर से हिलने लगेंगे कि आपस में टकराएंगे और टकरा के हीलियम बना लेंगे। तो हमको उतना टेम्परेचर पैदा करना हमारे लिए प्रॉब्लम है, हमारे पास साधन नहीं। अब हमने उसको डेवलप किया, इंडिया में भी डेवलप किया। कैसे इतना टेम्परेचर लाते हैं? तो आंसर है, उतना टेम्परेचर लाने के लिए इस बॉम्ब को यूज करते हैं। बहुत सारी हाइड्रोजन हमने इकट्ठी की और उसके बीच में इस बॉम्ब को चला दिया। अगर इस बॉम्ब को हमने चलाया तो इसका टेम्परेचर हीट के कारण 10^6 10^7 चला जाता। जब हाइड्रोजन इतनी गर्म होती है तो वो हाइड्रोजन एक दूसरे से टकराती है, टकराने से उसमें से हीट निकलती है, उसका टेम्परेचर 10^7। फिर वो बाकी हाइड्रोजन को भी गर्म करती है, वो हाइड्रोजन भी आपस में कंबाइन होकर हीलियम बनाती है, तीसरी भी बनाती है, चौथी भी बनाती है। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है कि हमारे पास कंट्रोल रॉड नहीं होते, सेफ्टी रॉड्स नहीं होते। जितनी हाइड्रोजन है, जब तक पूरी जल नहीं जाएगी तब तक वो रिएक्शन नहीं रुकेगा, इट इज अनकंट्रोलेबल रिएक्शन। ये एक छोटा सा उसमें प्रॉब्लम होता है। तो हमको जो हाइड्रोजन लेके शुरू करना है उसकी क्वांटिटी एक लिमिटेड क्वांटिटी होनी चाहिए। ऐसा ये वाले एक्शंस भी, रिएक्शंस भी इंडिया कर चुका है, और इससे हम लोग क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बॉम्ब बनाते हैं, पर अभी तक हम लोग हाइड्रोजन रिएक्टर नहीं बना। अगर रिएक्टर बनेगा दैट वुड बी ए वेरी वेरी सक्सेसफुल थिंग, हो सकता है फ्यूचर में बन जाए, क्योंकि उसमें कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और दैट वुड बी ए क्लीन एनर्जी। पर अभी उसकी टेक्नोलॉजी हम लोग डेवलप नहीं कर पाए, ठीक है? उसका रिएक्शन थोड़ा आप लोग याद कर लेंगे बुक में से देख के कितनी एनर्जी निकलती है।